नमस्कार, आप सभी का सीमा सुखाओ सीखो कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी में हम व्रत की नमकीन बनाएंगे, जिसे बनाना आसान है और इसे बना करके आप एयर डब्बे में बंद कर दीजिए और बहुत दिनों तक इसे खाते रहिए। तो देर न करते हुए मैं स्टार्ट करते हैं आज की नमकीन। व्रत की नमकीन बनाने के लिए हमें साबुदाना चाहिए। हमने हाफ बॉल जो साबुदाना लिया, 3 आलू को हमने छील लिया, कच्चे आलू हैं ये, मखाना लिया, मूंगफली है, साथ में सेंधा नमक जो व्रत का नमक होता है, और साथ में काली मिर्च। अगर नॉर्मल डिश बना रहे हैं तो आप और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं व्रत का बना रही हूँ तो हमें इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और प्लस हमें यूज़ करना है इसमें, हमें रिक्वायरमेंट होगी इसमें ऑयल की। तो सबसे फर्स्ट में क्या करते हैं, पहले आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तो हम सभी समान थोड़ा पीछे करें और आलू को कद्दूकस करें। आलू कद्दूकस करने के लिए पहले आप डायरेक्ट जो है पानी में ही कर लेंगे, क्योंकि अगर करके पहले पेट में करके कर इसके पानी डालेंगे तब तक में जो है काले हो जाते हैं। और इसमें चूँकि ये दाने जो हैं इसमें थोड़े से बारीक वाले हैं, आपके पास अगर बड़े दाने हों तो और बेटर होगा, इसमें लंबे लंबे अच्छे निकलेंगे। और इसमें से जो हम प्रेस करते हुए इसमें जो हम कद्दूकस करते जाएँ, आप इस टाइप से ये सब लच्छे लच्छे से निकल जाएंगे। अगर ये वाला होल जो है थोड़ा सा ठीक रहेगा तो क्या उसमें इसमें और लंबे लंबे थोड़े से लच्छे निकलेंगे। तो इस तरह से करके हम सारे तीनों आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। तीनों आलुओं को कद्दूकस कर लिया है और इसे इसे अच्छी तरह से इस टाइप से वॉश कर लेंगे, ताकि आलू के अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाए। और इसके बाद हम छन्नी से इसे छान लेंगे, चूँकि थोड़ा सा बारीक था इसलिए लच्छे जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं निकले हैं, लेकिन इस टाइप से भी हम थोड़े इसका हम पानी निकाल देंगे। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको किसी टॉवल पे जो है रख देंगे, ताकि इसे और इसे धूप में ही डालना है। इसे जो है किसी टॉवल पे जो है हम इसे पानी ऐसे निकाल लें और किसी टॉवल पे जो है इसे फैला देंगे। हम इसे फैन के नीचे जो है रख करके इसे 10 मिनट के लिए कम से कम जो है इस टाइप से हम रख देंगे। ये 10 मिनट तो कम से कम हमें इसमें चाहिए हवा में ऐसे सूखने के लिए। और इस टाइप से हम इसे कवर करके इस टाइप से हल्का हल्का जो प्रेस कर दें। तब तक हम जो है साबुदाने को भी भिगो देते हैं। साबुदाने को हम ले लेंगे, इसके बाद ये पानी डाल देते हैं इसे। और साबुदाने को हमने लिया, अभी हमने ज़्यादा थोड़ा साबुदाना लिया हुआ। आज जब भी कुछ न्यू चीज़ बनाएं, कोई न्यू रेसिपी बनाएं, तो पहले थोड़ा सा क्वान्टिटी बनाएं, अगर आपको बेस्ट बन जाए फिर आप ज़्यादा बनाइएगा। हमने लिया और उसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा पानी डाली जरूरत नहीं है। हमने अंदर 1/2 चम्मच जो पानी डाल दिए और फिर इसको अच्छे से मिला दिए, ताकि थोड़े से ये नरम हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ताकि गीले हो जाए। बस हमने 1/2 चम्मच पानी डाला और ऐसे मिला दिया इसे। और इसे भी जो है 5 मिनट के लिए जो है छोड़ देंगे, ताकि थोड़े से ये फूल जाएंगे, उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो हम 5 मिनट्स के लिए इसे रख देते हैं। आलू हमने टॉवल पर बिछा रखे थे और इसे हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए हैं। इसे बहुत ज़्यादा देर सुखाना नहीं है, बस हल्का सा इसलिए फैलाना था, ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा जो वाटर था वो जो है ख़त्म हो जाए। अब हम इसे छान लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी छान सकते हैं, या फिर बड़ी वाली अगर छलनी आपके पास में है तो आप उसमें भी रख करके छान सकते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा करके छानते हैं, इसे 2 बार में करके इसे निकाल लेंगे। और इसमें थोड़े से करारे जो है पिंक होने तक में जो है इसे तब तक में तल लेंगे, और थोड़ा चलाते रहें ताकि ये अच्छी तरह से जो है क्रिस्पी हो जाए, इसलिए इसे लगातार चलाते रहेंगे। हमारे आलू जो है एकदम लाल से हो गए, अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और छन्नी की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे रोक करके ऐसे थोड़ा सा, ताकि ऑयल जो है तो रुक जाए। और ऐसे हम टिश्यू पेपर पे निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है हम इस टाइप 40 निकाल लें या फिर इसी से निकाल लें। ये एक्स्ट्रा जितना भी है उसे निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि जो है काफ़ी ऐसे कुरकुरे से बन गए हैं। तो इसी तरह हम और भी, हमारे पास हमें जितना बनाना है तो वो हम इसे पहले फ्राई कर लेंगे और भी जितना रह गया। हमने ये आलू को तैयार कर लिया, अब इसी ऑयल में हम साबुदाना डालेंगे। साबुदाना हमने भिगो रख दिया, पहले से देखिए साइज थोड़े से बड़े हो गए,
हम गैस को थोड़ा धीरे रखेंगे और हाफ साबुदाना जो है एक बार में डाल देंगे। साबुदाने डालने के बाद हमने ऐसे ढक दिया, वरना क्या होता है साबुदाने जो होते हैं ऊपर से काफ़ी बाहर बाहर निकल जाते हैं उछल करके, इसलिए थोड़े से सावधानी से साबुदाने डालने के बाद में जो है हमने इसे ढक दिया प्लेट से। और थोड़ी बाद जब आवाज़ आनी बंद हो जाएगी और तब हम जो है इसे पेट को बाहर निकालेंगे। हाँ, साबुदाना जो है तैयार हो गया। साबुदाना जिस वक्त जस्ट डालते हैं थोड़ा सा बहुत ध्यान रखनी जरूरत होती है कि जैसे पॉपकॉर्न जो होता है सेम उसी तरह पॉपकॉर्न की तरह ऐसे ही हम ऑयल डालते हैं और गर्म होने के बाद ये जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उछलता रहता है, इसलिए इसे डालने के बाद जस्ट इसे ढक करके रखते हैं। और जब हमारे ये आवाज़ अंदर से आनी बंद हो जाए फिर इसके बाद जो है 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे भूनेंगे। अदरवाइज क्या होता है ऊपर से तो पक जाते हैं कि अंदर से हल्का सा चिमड़ापन सा जो एक होता है नाक के नीचे आ जाता है, तो इसलिए जब आवाज़ बंद हो जाए तब फिर प्लेट हटा करके इसे और फिर अच्छी तरह से भून लें। अब चाहें तो एक बार जो है एक ऐसे क्रश करके देख लें जो पूरी तरह से ये जो है जो अच्छी तरह से पूरा ये काफ़ी गर्म है, तो आप अगर देखेंगे तो पूरी तरह से ये जो है अच्छे से मैश हो जाना चाहिए अपने से कि वो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। एक बार इसी तरह भून लेंगे और फिर इसमें जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि अब हमें मूंगफली और मखाना भूनना है और दोनों को ही डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिंपल इसे बाहर निकाल देंगे और इसे सिर्फ 2 चम्मच ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डालने दिए 2 चम्मच ऑयल, अब इसमें हम मखाना डाल देंगे। इसमें आप चाहें तो इसमें सब के साथ में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स जो है तल लीजिए, साथ में जो है नारियल जो सूखे और नारियल होते हैं उसको पतले पतले काट लें और उसे भी इसके साथ में फ्राई कर लें। मिक्सर में तो जो चीज़ें हैं कि आप जितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें डाल सकते हैं और आप ये हेल्थ के लिए अच्छा हो, क्योंकि फास्ट में दिन भर आप भूखे नहीं रहेंगे, साथ में कभी चाय पी लें साथ में ये थोड़ा सा खा करके चाय पी लेते हैं। मखाने से ज़्यादा भूनने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसे से भून लें उसके बाद हम मूँगफली भूनेंगे। करारे में थोड़ा थोड़ा पिंक सा होना स्टार्ट हुआ, तो इसे अच्छे से करारे होने तक में भूनेंगे। अदरवाइज ऊपर से कितनी बार हमें लगता कि भून गए लेकिन अंदर से जो है वो दांत में चिपक जाएंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह से भून लेंगे सॉफ्ट होने तक में, ताकि ये जब उसे तोड़ के देखें तो वो क्रंची सा उसमें फील हो। अब इसे हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच जो है ऑयल डालेंगे और इसमें हम मूंगफली फ्राई कर लेंगे। मूंगफली के लिए ज़्यादा ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, हम इस ऑयल में मूंगफली डाल देंगे। मूंगफली भी तल के तैयार हो गए, अब सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। हमने मखाने और आलू जैसे निकाल लेते हैं, वो भी हम इसमें पहले मिक्स कर डाल लेते हैं सभी के साथ में। इसमें हम डाल देंगे मखाने, इसको मिक्स कर लेते हैं और इसी में हम डाल देंगे मखाने को, इसी में मिक्स कर देंगे। बहुत ही आसान है बनाना, क्योंकि एक बार आप बना करके बार बार रोज़ दिन बनाना व्रत में पॉसिबल नहीं होगा, तो एक बार बना करके आप रख दीजिए और इसी में हम डाल देंगे भुनी हुई मूँगफली और सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इसके ऊपर ही हम डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, व्रत का नमक जो है 1/2 चम्मच जो हम सेंधा नमक डाल देंगे इसमें। और हम डालेंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसमें तो और चीज़ें हम डाल नहीं सकते हैं, तो काली मिर्च डालने से एक तो फ़ायदेमंद भी रहता है और दूसरी चीज़ से काफ़ी चटपटा सा बन जाएगा। अगर आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ करते हैं तो आप इसे डाल दीजिए, अदरवाइज़ ये जो है पूरी तरह से ऑप्शनल है। मैं चूँकि लाल मिर्च पाउडर खाती हूँ इसमें, इसलिए मैं इसमें जो लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और आप नहीं खाते लाल मिर्च पाउडर तो आप इसे ना डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। बस ये तैयार है और साथ में इसे जो है 8 आई डब्बे में पैक करके रख दें और पूरे 9 दिन जब भी आपको यूज़ करना हो आप थोड़ा सा निकालें खाएँ और साथ में चाय पिए। बस हमारा ये जो नमकीन है व्रत के नमकीन, वो
तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट्स करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।